हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सब्जेक्ट साइंस है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th एनसीईआरटी बुक। इसमें जो चैप्टर है 6th फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसकी कल मेरी लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में तो पढ़ लिया था। अब आज हम केमिकल चेंजेस का के बारे में रीड करेंगे। सो व्हाट इज़ दिस? अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स कि जैसे हमारे लोहे को जंग लग जाती है, जिसको जंग कहते हैं हम, वो जो उसके ऊपर ब्राउनिश सा पार्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं जंग, रस्टिंग। सो ये सब लोगों ने नॉर्मली घर में देखा ही है। हमारे गेट होते हैं घर पे, हमारे बहुत आयरन की जो चीज़ें होती हैं उन पे हमने ये रस्टिंग लगी देखी होगी। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रस्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड अ रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क यूर फार्मलैंड, आयरन बेंच केप्ट इन अ लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड वेन एक्सपोज टू एटमोसफियर फॉर सम टाइम। इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट इज गेट्स डिपॉजिटेड। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। कहने का मीनिंग ये है कि हमारे जो, जैसे हम घर में हमारे बहुत सारी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं हमारे किचन में और लॉन्स में, जैसे हमने बेंचेस देखे हैं, अगर हम उनको ओपन में छोड़ देते हैं, जैसे उनको पेंट वगैरह नहीं किया हुआ ओपन में है, तो मॉइस्चर के थ्रू उनके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस है उसके ऊपर जम जाता है, वो एक न्यू सब्सटेंस होता है, वो आयरन नहीं होता, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ये जो आयरन के ऊपर लग गया ब्राउनिश पार्ट, ये होता है रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो एक रस्टिंग, जो रस्ट बना है वो आयरन नहीं है, एक न्यू सब्सटेंस है। सो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल चेंजेस वो हो जाते हैं जिसमें हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, सो हम कुछ और चेंज इसके बारे में देखते हैं क्या है। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हमारी लैब में आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन्स होते हैं। क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट, वेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ट इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे ये हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने बर्न किया फ्लेम में, फ्लेम देता है ये वाइट कलर का, सो ये भी इसमें क्या होता है, फिर हमारे पास ऐश बन जाती है। जो ऐश है उससे हम दोबारा रिबन भी नहीं बना सकते। हमने फिजिकल चेंजेस में क्या पढ़ा था कि वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता, हम ऐश से दोबारा रिबन नहीं बना सकते, और जो ऐश है हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। इसकी हमें केमिकल इक्वेशन भी गिवन है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मींस कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। सो यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज। और जो ये हमारे पास एक डिफरेंट बन जाता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टरर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिड्स आर बेसिस, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। सो क्या है कि इसके बाद जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, उसको हम एक हमारे पास जो ऐश बन जाती है उसको हम वाटर में मिक्स कर लेते हैं, फिर हम उसको हमारे पास एक लिक्विड बन जाता है, उसका हम टेस्ट करके देख सकते हैं लिटमस पेपर के साथ, वहाँ से हमें उसकी नेचर का भी पता चल जाएगा। जैसे ही हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दिया तो वो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। इट मीन्स ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ये हमने एसिड बेस और सॉल्ट मेरी लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना है, इससे हम और फिर दोबारा मैग्नीशियम नहीं बना सकते। ओके,
सो यहाँ पे ये हमारी एक केमिकल चेंज की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये भी हमने मतलब हमारी लैब में मतलब स्टूडेंट्स को करते हैं, जो डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट पाउडर लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। ओके सो इसमें हमने क्या किया, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया है। सो यू शुड बी गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, हैव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सोल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर सो और सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन कंपेयर्ड विद द कलर ऑफ द सैंपल सोल्यूशन एंड सेव सेपरेटली। Do you see any change in the color of the solution? Take out of the nail in or a blade. Has it changed in any way? The change that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. The change of the copper color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposited on the iron nail is copper, another new substance. We can राइट द इक्वेशन। क्या है, हमने इसमें क्या समझाया कि जैसे हमने एक सोल्यूशन लिया, हमने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, उसको डिल्यूट कर लिया, तो वो हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। अगर हम इसमें नेल ऐड कर दे, कोई भी आयरन का कुछ भी आयरन का आर्टिकल ऐड कर दे, तो इसका ब्लू से कलर ग्रीन चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले ये तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाता है। सो जो हमारे पास ये यहाँ पे जैसे हमने ब्लेड लिया है, अगर हम आयरन नेल लेते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का मटेरियल ऐड हो जाता है वो हमारा कॉपर सल्फेट बन जाता है, और जो ये सोल्यूशन है ये अब हमारा सारा आयरन सल्फेट बन जाता है। सो यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, सो ये भी और कलर भी चेंज हो गया है। सो ये हमारा एक केमिकल चेंज है, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया ब्लू कलर का और उसमें आयरन नेल ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास आयरन सल्फेट बन जाता है, और जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का, हमारे जो हमने आयरन आर्टिकल लिया उसके ऊपर ब्राउन कलर में डिपॉजिट हो जाता है। ओके सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ अ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में विनेगर ले लेते हैं, जो हम घर पे सिरका नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको विनेगर कहते हैं। सो एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, इसमें हम एक बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। यू शुड हेयर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन अ फिगर 6.5। वट हैपन्स टू द लाइम वाटर, द चेंजेज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज अ फॉलोइज, विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, तो हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस हमारे पास बनता है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज अ फॉलोइज। क्या है कि हम यहाँ क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम विनेगर लेते हैं और उसमें सोडियम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। सो इसमें एक गैस इवॉल्व होती है, सो हम यहाँ पे एक छोटी सी पाइप लगा देते हैं और इधर वाली साइड हमने लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में हम मिक्स कर देते हैं, मीन्स चूना लेके उसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं, वो लाइम वाटर बन जाता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिल्की बनना शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि जो अगर हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो उसका तो वो मिल्की बनना स्टार्ट हो जाता है, अगर उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ से हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वो मिल्की होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारे जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देता है। सो ये उसके इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। ओके सो यहाँ पे हिसिंग की साउंड की आवाज़ आती है, वो जो साउंड आती है, जो मतलब साउंड आती है वो हमारे पास जो इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है उसकी आती है। सो वेन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये क्वेश्चन है दिया हुआ, वेन अ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम वाटर है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड
टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना है तो हम इस लाइम वाटर लेके उसको, अगर वो मिल्की हो जाता है तो हम उसकी प्रेजेंस को भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो पेपर में अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो आप उसका ये रीज़न दे सकते हो। और वी ब्रीथ आउट इज़ अ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जब सांस लेते हैं तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत अमाउंट में रिलीज़ करते हैं, वो वहाँ से भी कैल्शियम ऑक्साइड की जो कैल्शियम सॉरी लाइम वाटर है उसकी उसमें मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रेजेंस है वो चेक कर सकते हैं। सो इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन अ एयर। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड विद आयरन प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, कॉपर आर डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। सो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या है कि हमने जो पीछे हमने जो ये एक्टिविटी स्टडी की हैं तो उनमें हमने देखा है कि हर एक में न्यू सब्सटेंस बनता जा रहा है। सो यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि हमारा न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था जब हमने उसको वाटर मैग्नीशियम को बर्न रिबन्स को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, उसको वाटर में मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ऐसे ही हमने कॉपर सल्फेट और आयरन आयरन से रिएक्शन करवाया था तो हमारे पास आयरन सल्फेट बन जाता है और जो हमारा आयरन का आर्टिकल है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का कलर डिपॉजिट हो जाता है अमाउंट आर्टिकल जो उसके ऊपर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है वो हमारा कॉपर बन जाता है। ऐसे ही हमने ये देखा यहाँ पे लाइम वाटर वाला केस देखा कि जिसमें हमारे पास हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जिससे हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। सो इन एक्टिविटीज़ में हमने चेंजेस देखे हैं और देखा है कि हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। ओके, अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और इनमें हमने देखा है जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं सो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रैपनिंग ऑफ अ फ्रूट, फर्मेंटेशन इन अ ग्रेप्स एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ अ केमिकल चेंजेस। अब ये है हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, बहुत सारे हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, सब में ये सारे केमिकल रिएक्शंस ही हैं। जैसे कहते हैं कि फ्रूट का पकना या फर्मेंटेशन होते हैं ग्रेप्स की, ये सारे ही हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं। मेडिसिन इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूजफुल न्यू मटीरियल सच एज अ प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट सोप्स आर प्रोड्यूस टू, दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं और केमिकल चेंजेस हैं। सो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन केमिकल चेंजेस इन एडिशन न्यू टू प्रोडक्ट टू न्यू प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग अकाउंट, और कुछ हमारे पास ये जो चेंजेस आते केमिकल जो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज है कुछ ये हम स्टडी करते हैं। क्या है, फर्स्ट इज हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है सो उसमें हीट गैस कुछ हीट लाइट या कोई रेडिएशंस वगैरह भी एब्जॉर्ब और प्रोड्यूस और ऑफ होती हैं। ओके, साउंड में भी प्रोड्यूस साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन आउट स्मेल भी और डिफरेंट टाइप की स्मेल्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, कलर चेंज हो सकता है और गैस कोई भी गैस भी फॉर्म हो सकती है। ओके, सो ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स आर आल्सो केमिकल चेंजेस, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज, बर्निंग इज आल्सो एकॉम्पनीड अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये सारी ही हमारी केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।